हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष राठी। आज का विषय है गाइस, पर्सनल कोचिंग वर्थ इट और नॉट। आजकल आप देखते हैं क्रिकेट में, जब क्लब्स वगैरह में काफ़ी जगह पर्सनल कोचिंग का ट्रेंड शुरू हुआ है, जो कि पहले नहीं था। आज के 10 साल पहले इतना नहीं था, था पर इतना नहीं था। तो इसकी क्या वजह है और ये ज़रूरी है या नहीं है? कि बहुत सारे क्लब्स हैं जो लेते हैं पर्सनल कोचिंग, जैसे एक बिजनेस है जो काफ़ी दुकानें व बिजनेस चल रहा है, पर कोई एक दुकान क्यों ज़्यादा चलती है? जो दुकानदार है, समझ लीजिए दुकानदार है, वो किस पैशन के साथ अपने को प्रोडक्ट देता है। जैसे आप कोई शॉप में जाएंगे तो वो स्माइल करके जो देता है, वो ज़्यादा वहाँ लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। उसकी क्या वजह है गाइस? तो यही बात है कि जो पर्सनल कोचिंग जहाँ बिजनेस बन चुका है, बिजनेस रहना ये गलत बात नहीं है, सब अपने रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, सबको अपना घर चलाना है। पर एक चीज़ क्या है गाइस, कि कौन पैशन के साथ करता है वो चीज़। पैशन के साथ करना और कोई चीज़ जस्ट गोइंग थ्रू मोशंस, बहुत जगह देखा गया है गाइस। मैं अभी एक क्लब में गया था तो वहाँ मैं देख के हैरान हो गया। एक लड़की बैटिंग कर रही थी, उसको सर सिखा रहे थे पर्सनल कोचिंग, और उसका एक मिनट मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता हूँ। उसका जो स्टांस था वो ये ऐसे पकड़े हुए था, और बैट ऐसी अंदर से आ रही थी, ये देखिए ऐसी अंदर से आ रही थी, और ऐसी अंदर से आ रही थी, और सर उसको बोल रहे थे मिडल कर, खेल क्यों बरबर क्यों नहीं खेल रही। मैं हैरान रह गया, उसके स्टांस पे वर्क नहीं किया है और वो पर्सनल कोचिंग शुरू है। तो वही है गाइस कि आप किससे पर्सनल कोचिंग ले रहे हैं, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि एक प्लेयर को डेवलप करना या उसको बस उतना समय देना जिससे उसको पैसे मिले। ये दो चीज़ें मायने रखती है गाइस, काफ़ी मायने रखती है। और मैंने ये भी एक जगह सुना है, एक लेग स्पिनर है, उसका बॉल लेग स्पिन ही नहीं होता, उसको ड्रिल्स ही नहीं बताया, पर्सनल कोचिंग है। तो वो पर्सनल कोचिंग में सब चीज़ें आ गई गाइस, कि एक प्लेयर को डेवलप करना। तो बेसिक जैसे ये चीज़, जैसे ये भी मैं बताना चाहूँगा कि एक स्पिनर है और उसका बॉल स्पिन नहीं हो रहा है, जैसे ऑफ स्पिन नहीं हो रहा है, लेग स्पिनर है लेग स्पिन नहीं हो रहा है, तो उसको पता ही नहीं ड्रिल्स क्या है। तो ड्रिल्स उसकी कैसे इम्प्रूव करना है कि लेग स्पिन हो, ये जब मैं क्लब में गया था तो मुझे भी पता ही नहीं था। मैं ऑफ स्पिन डालता था पर टर्न नहीं होता था, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है मेरे कि टर्न नहीं होता था। तो उसके ड्रिल्स कैसे है, पहले से इम्प्रूव कैसे करना, कैसे मतलब बेसिक स्टार्ट कैसे करना, इसलिए पर्सनल कोचिंग मायने रखती है गाइज। कि अगर आप पहले से गुड हैबिट्स में जाएंगे, हैबिट का खेल है गाइज। देखिए जैसे ब्लैंक माइंड रहता है, लर्निंग होती है ब्लैंक माइंड से, और एक बार लर्न हो गए तो वो अनलर्न करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने किताब पढ़ी थी एबी डिविलियर्स की, तो उनका डिफेंस इतना स्ट्रांग नहीं था और उनको बेस्ट टेस्ट बैट्समैन बनना था, तो उन्होंने सब चीज़ें अनलर्न की, क्योंकि उन्होंने एक पहले से हैबिट बना ली थी, जो डिफेंस हार्ड हैंड से करते थे वो आदत बन जाती है गाइस। तो उसको अनलर्न करना, सबकॉन्शियस माइंड से वापस उसको हटाना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स है कि ये ऐसा खेलना है और पहले से ही आपने हैबिट वैसी बना ली, गलत हैबिट्स बना ली, तो वो निकालना और फिर उसको चेंज करके दूसरी हैबिट डेवलप करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है गाइस, कि आपको जब पहले से आप जा रहे हैं कोई क्लब या कोई जो भी कोचिंग, पर्सनल कोचिंग ले रहे हैं, तो तब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सही तरीके से सही कोच के अंडर ले, क्योंकि वो आपकी हैबिट डेवलप करने के लिए काफ़ी मदद आ सकता है। आपकी अगर अर्ली स्टेज में अच्छी हैबिट्स बन गई, बेसिक स्ट्रांग हो गया, तो बाद में बहुत बहुत इजी हो जाता है बाकी की चीज़ें अडॉप्ट करना। पर अगर आपका पहला ही लेवल जो रहा, पहले ही अगर गलत हैबिट्स डेवलप हो गई,
तो बाद में वो डेवलप हटाना, दूर करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पर्सनल कोचिंग काफी मैटर करती है। पर्सनल कोचिंग में कैसा रहता है गाइस कि जैसे एक क्लब में 100 लड़के रहते हैं और उसके पीछे एक कोच रहता है। अगर समझ लीजिए आप 50 भी लड़के रहे और एक कोच रहा, तो वो एक प्लेयर पे कितना ध्यान दे सकता है, उसकी हैबिट पे कितना ध्यान दे सकता है कि ये गलत हैबिट डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि फोकस लेवल नहीं रहता है। इतने लड़कों को संभालना ये पॉसिबल नहीं है गाइस। एक लड़के को एट ए टाइम मतलब एट ए टाइम 50 लड़के को संभालना, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन। तो इसलिए पर्सनल कोचिंग मैटर करती है कि वो डेवलप अच्छी हैबिट्स डेवलप करने में मदद करता है। जैसे कि जिम में भी है कि पर्सनल कोचिंग लेते हैं, तो पर्सनल कोचिंग में क्या करते हैं गाइस कि एक एक पर्सन के तरफ उतना समय ध्यान देते हैं ताकि वो उतना वो डेवलप कर सके, कहीं इंजुरी ना ले, गलत तरीके से जिम ना मारे, ये सारी चीज़ें। वैसे ही क्रिकेट में भी हैबिट्स का खेल है। अगर आप सही तरीके से हैबिट्स डेवलप करोगे बचपन से ही या पहले से ही, जब जब से आप क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो पर्सनल कोचिंग में काफ़ी मदद होगा। तो ऑफ कोर्स इट इज़ वर्थ इट, डेफिनेटली ये ज़रूरी है पर्सनल कोचिंग। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप पर्सनल कोचिंग की लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा गेम डेवलप करने में आसानी हो और वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव करने में आसानी हो, जल्दी जल्दी आप सीखेंगे। क्योंकि जो पर्सनल कोचिंग में जाएंगे आप, तो जो चीज़ आप एक नॉर्मल क्लब में प्रैक्टिस करते हुए साल भर में सीखेंगे, वही पर्सनल कोचिंग में 4-6 महीने में सीखेंगे। और पर्सनल कोचिंग ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियली ज़्यादा जो स्ट्रांग है वो कर सके। अगर आपके पेरेंट्स आपको क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, तो वो भी आपको एक पर्सनल कोचिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वो भी आपका गेम डेवलप कर सकते हैं। बाकायदा उनको नॉलेज सही चाहिए, तो सही नॉलेज लीजिए और आगे बढ़िए गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इससे होपफुली इंस्पायर होके अपना गेम हाई लेवल तक पहुँचाए। थैंक यू सो मच गाइस।